के ये बाजिया अब हम जीत के दिखाएंगे। मैं आज इस ऐतिहासिक दिन में गवाह और साक्षी बने यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर से और देश के कोने कोने से आए हुए तमाम मेरे नौजवान युवा साथी और मेरे इज्जतदार बहनों, आप सबको मेरी ओर से जोहार करता हूँ। आज का ये दिन बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लड़ाई जोर जुल्म के खिलाफ की है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ की है, महिलाओं के सम्मान की है, नौजवान के रोजगार की है, यह लड़ाई आने वाले भविष्य की है, यह लड़ाई किसान के खेत बचाने की है, यह लड़ाई आदिवासी के जल जंगल और जमीन बचाने की है, यह लड़ाई पांचवी अनुसूची बचाने की है, यह लड़ाई आदिवासी को बचाने की है। और आज दक्षिणी राजस्थान के अंदर आप सब जो ये आज कारवा लेके चल रहे हो, इस कारवा के लिए दक्षिणी राजस्थान की तरफ पूरे देश की निगाह है। आज हमारा व्यक्ति यहाँ से जीत कर दिल्ली में जाएगा तो उसके लिए मणिपुर आस लेकर बैठा हुआ है, जहाँ पर हमारी बहन बेटियां नग्न होती है उसके लिए कोई आवाज उठाने आए वो इंतजार कर रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ के हसदेव के लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई आएगा, हमारे लिए आवाज उठाएगा। दक्षिणी राजस्थान से आस लेकर बैठे है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे लोगों के साथ पेशाब किया जाता है, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। और राजस्थान के अंदर किसी को मुँह से रखने से, किसी को मटके से पानी छूने से मारा जाता है, वो लोग भी न्याय के लिए आस लेके बैठे हैं या दक्षिणी राजस्थान से आस लेके बैठे हैं। और आज अगर हमारे यहाँ से जीत कर जाते हैं तो पूरे देश की निगाह है कि लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है, हमारे कानून को रोज तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, वो ये देख रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ की जनता एक एक वोटों से मजबूत करके हमारे व्यक्ति को यहाँ से दिल्ली भेजेंगे, जहाँ हमारे लोकतंत्र के लिए कोई आवाज उठाएगा। देश के अंदर जिस तरीके का तानाशाही रवैया हो रहा है, जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, देश के अंदर सच बोलने वाले को जेलों में टूसा जा रहा है, इस सब के लिए एक ही लड़ाई है। और आज अपन तमाम इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, भाई यहाँ तक ना आज आपने रैली निकाली, आपने नारेबाजी करी, लेकिन 26 तारीख तक चुप नहीं बैठना है। 26 तारीख तक हमारे आस पड़ोस में भाई बहन रिश्तेदार परिवार में सबको कहना है कि हम सब राजकुमार हैं और हम सब जीत कर जाएंगे, ये बात हम सबको कहना है। और जिस दिन यहाँ से 26 तारीख को परिणाम आएगा तब हमको लगेगा कि हमारा एक एक वोट भ्रष्टाचार की चोट पर होगा, हमारा एक एक वोट आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए होगा, हमारा एक एक वोट इस एरिया की शिक्षा के लिए होगा, हमारा एक एक वोट हमारे जल जंगल और जमीन के लिए होगा। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा अवसर हमारे पास है, हमारे विधानसभा के अंदर पहली बार गए थे, हमको भरोसा था हमारा बड़ा भाई वहाँ पर मौजूद है, तो राजकुमार जी के साथ में गए थे, आज वो दिल्ली जाएंगे, पीछे हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी है। मैं ये चाहता हूँ कि बाकी दौरा की जनता हमारे कंधों को मजबूत करने के लिए जय की भाई से सहायक आदमी और हमारे साथ भेजे, और मुझे भरोसा है कि बाकी दौरा की जनता आज से 35 साल तक लूटती आई है, इस बार वो वोटों के माध्यम से सबक सिखाएगी। जो लोग ईडी के डर से या संपत्ति बचाने के लिए गए हैं, ये पहला मौका है जहां पर वोट करवट बदलने वाला है, और आप सब सबक सिखाओगे। हम भी चुनाव लड़े थे, हम बाहर भी गए थे, लोगों ने कहा था कि क्या तुम्हारे पिता मंत्री है या करोड़पति है, हमने कहा था कि हमारे विधानसभा की जनता और वहाँ के कार्यकर्ता बिना रुपया पैसा बोकरा बटकी के वोट दिया था, और इस बार बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता पूरे देश में लोकतंत्र जीवित करने का उदाहरण पेश करेगी। पूरा भरोसा है कि आप 26 तारीख को 26 तारीख तक सोओगे नहीं, इस बांसवाड़ा डूंगरपुर और देश के भविष्य के लिए जगोगे। आप जगोगे कि नहीं जगोगे, विश्वास दिलाओ हाथ खड़ा करके। पूरा भरोसा है 26 तारीख के बाद में आपके सपनों के लिए राजकुमार जी और जग्गी भाई जगेंगे, यह भरोसा आपको दिलाना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहूंगा कि हम सब अगर साथ चल पड़े तो आंधी तूफान खुद ही चल पड़ेगी, हम सब अगर साथ चल पड़े तो आंधी तूफान खुद ही चल पड़ेगी। अरे सागरों की बात क्या, हिमगिरी सरीके डल पड़ेंगे, हम सब अगर साथ चल पड़े तो दीप क्या सूरज हजारों निकल पड़ेंगे। आप सबका अपना धन्यवाद, जोहार। फिर हटा डाल।